हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ललिता मन्हास चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये यूनिसेक्स फिंगरलेस ग्लव्स कैसे बनाने हैं। जी हाँ, इसके पैटर्न की वजह से ये यूनिसेक्स है, इसे मेल या फीमेल कोई भी पहन सकता है। आप इसे अपने हस्बैंड, अपने बेटे बेटी बहू किसी के लिए भी बना सकते हैं और इसे पहनकर आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल पे टेक्सिंग करनी है आपने या फिर कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कोई काम करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे, और अगर आपको ड्राइव करना है तो वो भी आसानी से कर पाएंगे क्योंकि आपकी फिंगर्स फ्री हैं और साथ ही आपको वॉर्म्थ भी मिलता रहेगा। ये जो ग्लव्स मैंने बनाए हैं ये मफलर से बची हुई वून से बनाए थे। ये मफलर मैंने कैसे बनाया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये इसका हेड पोर्शन है जिसे हमें ठंड ज्यादा हो तो इसे ढक सकें, और अगर हम इसके ऐसे लेना चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं। ये दोनों चीजों को बनाने में मेरे को टोटल 300 ग्राम वूल लगी है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना और देख लेते हैं यूनिसेक्स फिंगरलेस ग्लव्स कैसे बनाते हैं। ग्लव्स बनाने के लिए मैं पहले 11 नंबर की सिलाइयों पे 50 फंदे डाल रही हूँ। ये लेफ्ट हैंड मैंने बनाया है, इसका इस तरह से बनेगा। ये पैटर्न मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कैसे बनाना है, और इसमें ये पोर्शन हम पहले बनाएंगे 11 नंबर पे, और ऊपर का हम हिस्सा जो है ये 9 नंबर की सिलाइयों पे बनाएंगे। यहाँ 11 पे बनाने से क्या होगा कि हमारी ये रिस्ट पे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैं 50 फंदे डाल रही हूँ। इस तरह से हम 50 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से 50 फंदे मैंने डाल लिए हैं, 50 स्टिचेस डाल लिए हैं, 25 पेयर्स। अब सबसे पहले मैं सारी की सारी उल्टी सिलाई बनाएंगे हम। उल्टी सिलाई बनाने का कारण होता है कि एक तो जब हम फंदे डालते हैं थोड़े टाइट होते हैं तो उल्टी सिलाई जो है वो आसानी से बन जाती है, और दूसरा जब हम फंदे डालते हैं जो तो ये बॉर्डर के बिल्कुल जो किनारा है इसका ये भी उभर के आ जाता है, ये थोड़ा सा उभर के आ जाएगा तो देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए इस साइड मोटा हो गया है और इस साइड पतला है। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। सेकेंड सिलाई में हम दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। ये जो बॉर्डर है हमारा यहाँ तक का, दो सीधे दो उल्टे, आप जितना चौड़ा रखना चाहें उतना चौड़ा रख सकते हैं। ये 20 या 22 सिलाइयाँ बनाई हैं मैंने, इतना बना के फिर आगे हम पैटर्न डालेंगे। इस तरह से दो सीधे दो उल्टों का बॉर्डर बनाते हुए 20 से 22 सिलाइयां बना दी, इतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका बॉर्डर कंप्लीट हो जाए, आप जितना भी रखना चाहो अपने हिसाब से रख दे, जितना बनाना हो रख लें, और उसके बाद हम ऊपर से बनाना शुरू करेंगे पैटर्न और लगाएंगे 9 नंबर की सिलाई। अब हम ऊपर मोटी सिलाइयों से बनाएंगे, फंदे हम बढ़ाएंगे नहीं, उतने के उतने रहेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने लेफ्ट हैंड का बनाया है एक ग्लव, और इसमें मैंने पैटर्न जो डाला है केबल जो डाली है वो मैंने लेफ्ट साइड डाली है। यही साथ का बनेगा, इस तरह से लिप स्टिच हो जाएगा तो ऐसे बनेगा। तो इसकी केबल जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड डाली है, लेकिन अभी मैं राइट हैंड साइड का बना रही हूँ, तो राइट हैंड का बना रही हूँ तो हम इसकी केबल राइट हैंड साइड रखेंगे। तो उसके लिए जितने फंदे हमने यहाँ छोड़े हैं इतने ही इसमें भी छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदों को हम सेम वैसे ही बना लेंगे, दो सीधे दो उल्टे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे वाली 9 जो फंदे हैं उसमें हमने केबल बनानी है, तो उसके
के लिए पहले तीन फंदों को मैं क्रोशिया हुक पे उतार रही हूँ और पीछे के तीन फंदे पहले बुन रह रही हूँ। लेकिन क्रोशिया के जो है, जो ये तीन फंदे हमने पहले उतारे हैं वो अपनी साइड हमने रखने हैं और पीछे से बुनना है। ये हमने सीधे उल्टे नहीं बनाने, हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं, इसमें हमने कोई पैटर्न नहीं डालना। 1 2 3 अब तीन फंदे बुनने के बाद ये वाले तीन फंदे हम बनाएंगे जो हमने क्रोशिया हुक पे डाले हैं। और आगे के तीन फंदे, ये तो हमने 6 फंदों पे बनाया और हमारा पैटर्न है पूरे 9 फंदों का, तो आगे के 3 फंदों को हमने कुछ नहीं करना, उनको सीधा बुन लीजिए। 1 2 3 उसके बाद हमने धागा आगे कर लीजिए और ये एक रह गया हमारे पास, तो हम आगे के 3 जो है वो उल्टे करेंगे। वैसे तो 2 सीधे और 2 उल्टों का पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 फंदे इकट्ठे लेंगे उल्टे, क्योंकि हमारा आगे पैटर्न खराब नहीं होना चाहिए। 1 2 3 और बाकी सारा 2 उल्टे 2 सीधे। इस तरह से बनाते हुए जैसे आपने बॉर्डर बनाया है उसी तरह से बनाना है, कहीं कुछ नहीं और करना है, उल्टों पे उल्टे सीधों पे सीधा, इसी तरह से बनाते रहिए। सिर्फ टेबल के 9 जो स्टिचेस हैं उन्हीं पे हमने पैटर्न बना लिया। उल्टी सिलाई में अब भी सीधों पे सीधे उल्टों पे उल्टे जाएंगे जहां तक हमारी केबल बनी है। पहले 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए केबल जहां तक बनी है वहां तक पहुंच जाएंगे। अब ये केबल वाले फंदे आगे हमारे पास 9, अब हम इनको उल्टा बुनेंगे सारे के सारे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 और आगे के वही 2 सीधे 2 उल्टे, यहाँ आगे 2 सीधे और 2 उल्टे, इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। 20 या 22 लाइन के बॉर्डर जब कंप्लीट हो जाए, जितना आप बॉर्डर बनाना चाहें उतना बन जाए, तो उसके बाद हम अब आप ऊपर से ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे 9 नंबर की सिलाई से। अब मैं ले रही हूँ 9 नंबर की सिलाई, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, ये मैंने जो पहले बनाया है ये मैंने लेफ्ट हैंड का बनाया है, तो इसका पैटर्न मैंने लेफ्ट साइड रखा है। अब जो राइट हैंड का बनेगा उसका पैटर्न जो है ब्रेडेड केबल जो है वो इस साइड राइट हैंड साइड बन जाएगी, लेकिन फंदे इधर जितने छोड़े हैं उतने ही इसमें भी छोड़ेंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदों के बाद केबल बनाई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले 2 फंदे 9 नंबर की सिलाई ले ली मैंने, 1 2 2 सीधे 2 उल्टे 4 फिर 2 सीधे 6 फिर 2 उल्टे, 8 फंदे हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने केबल बनानी है, अब आगे के 9 जो हैं वो केबल के हैं। हमने पहले 6 फंदों पे स्टिचेस को पलटा था, अब हम पहले 3 सीधे ऐसे ही बना लेंगे, इनको हमने कुछ नहीं करना, पलटना नहीं है। अब हमने इस बार पिछले 6 जो हैं उनको पलटना है, तो उसके लिए हम दोबारा से 3 फंदे मैं क्रोशिया पे उतार रही हूँ और इस बार ये क्रोशिया को मैं अपनी सिलाइयों की पिछली साइड रख रही हूँ। पहले जब हमने पलटे थे तो हमने क्रोशिया को आगे रखे थे जो आगे के फंदे हैं, अब हम उसको पीछे करेंगे
और पीछे वाले फंदे पहले बना लेंगे। वन टू एंड थ्री, और इसके बाद हम ये जो क्रोशिया भी हमने उतारे हैं फंदे ये बना लेंगे। वन टू एंड थ्री। अब आगे के हम दो सीधे दो उल्टे करते हुए पूरी एंड तक सिलाई लेके जाएंगे। ये पहले फंदे हमारे तीन उल्टे हैं, बाकी सारे दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे। अब उल्टी सिलाई में हमने फिर वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, दो उल्टे दो सीधे करते हुए केबल वाले स्टिचेस तक जाना है, और केबल वाली स्टिचेस हमने सारी उल्टी करनी है, और आगे के भी दो सीधे दो उल्टे बना के ये रॉन्ग साइड जो है हमने कंप्लीट करनी है। इस तरह से दो सीधे दो उल्टे बनाते हुए अब हम केबल वाले स्टिचेस पे आ गए हैं, इनको हमने सारे के सारे नौ जो हैं वो उल्टे बनाने हैं। अब आगे की दो सिलाइयों पर हमने कुछ नहीं करना है, उल्टों पर उल्टे और सीधों पर सीधा बनाना है। केबल के फंदे हमने पलटाने नहीं हैं, ये दो सीधे हो गए दो उल्टे। अब ये केबल के फंदे हैं नौ, इसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने सीधा नौ फंदे सीधे बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और आगे के सारे सीधों पे सीधे और उल्टों पे उल्टे बनाते हुए पूरी लाइन पूरी सिलाई खत्म करना है। इस तरह से ये वाली लाइन पूरी सिलाई जब बन जाए उल्टी सिलाई में भी हमने सेम ऐसे ही बनाना है, सीधों पे सीधे और उल्टों पे उल्टे, और केबल वाले फंदे सारे के सारे उल्टे जाएंगे। इस तरह से हमारा एक रो जो है केबल की वो कंप्लीट हो गई है। हमने फर्स्ट थ्रो में पहले तीन फंदे पलटे थे, फिर दूसरी रो हमने पूरी उल्टी बनाई थी, फिर तीसरी रो में हमने फिर से पीछे के तीन फंदे पलटे थे, और उसके बाद चौथी रो हमारी फिर से प्लेन पीछे की उल्टी साइड थी, और उसके बाद दो सिलाइयां हमने उसमें कोई भी हमने फंदा नहीं पलटा था, सीधों पे सीधे और उल्टों पे उल्टे करके दो सिलाइयां और बनाई। इस तरह से पूरी छह सिलाइयों में हमारा ये पैटर्न बना है। अभी इसी तरह से पैटर्न को दोहराते चले जाएंगे तो हमारी ये ब्रेडेड केबल इस तरह से बन जाएगी। अब हम फिर से फंदे पलटाएंगे, पहले छह, फिर दूसरी तीसरी सिलाई में हम पीछे के छह फंदे पलटाएंगे। इस तरह से करते हुए अब हम यहाँ तक बनाएंगे जहाँ हमें अंगूठा स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अगर आपको केबल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपने वीडियो का लिंक नीचे दे दिया है जिसमें मैंने ये केबल सिखाई हुई है, आप उसमें जाके भी इसको सीख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ तक बना के जहाँ से अंगूठा स्टार्ट होना है फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए मैंने ये इतना अंगूठा स्टार्ट होने तक बना लिया है, अब हम अंगूठा स्टार्ट करेंगे। आप अपने हाथ के साथ इस तरह से नाप के देख सकते हैं, जब आपका अंगूठे का पार्ट आ जाएगा यहाँ से तो आप अंगूठा के फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। और ये मैं जो कर रही हूँ, मैं अभी फोर्थ पैटर्न स्टार्ट करना है मैंने, वन टू थ्री, और फोर्थ वाला पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ केबल का। तो उसके साथ ही थंब के भी फंदे बढ़ाना शुरू कर दूंगी। थंब के फंदे हम सेंटर से बढ़ाएंगे, जैसे ये हमारे पास 50 फंदे थे तो 25 फंदे हम इस साइड कर देंगे, 25 फंदे उस साइड कर देंगे, और सेंटर में हम एक फंदा बढ़ाएंगे, और हर दूसरी सिलाई में दो दो फंदे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले दो फंदे हम बना लेंगे इसी तरह से जैसे हम बना रहे हैं, दो उल्टे दो सीधे, अब हम यहाँ पे केबल के फंदे पलटेंगे। अब हम सेंटर में जाएंगे,
25 फंदे हमने इधर रखने हैं इस सिलाई पे, 25 हमारे इस सिलाई पे होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये हो गया 25। तो 25th वाला जो है हमारा सीधा आ रहा है, ये 25 हो गए। इधर भी हमारे पास 25 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हम हमने 25 यहाँ कर दिए, 25 यहाँ कर दिए। अब हम सेंटर में एक बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए मैं जो इस साइड का 25वां फंदा है लास्ट वाला, उसी को डबल कर ले रही हूँ। तो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट बन गया, सेंटर वाला फंदा बन गया। अब इस वाले फंदे, आगे के जो फंदे हैं 25, वो हम सीधों पे सीधे और उल्टों पे उल्टे बनाते चले जाएंगे। और उल्टी सिलाई भी इसी तरह से करेंगे हम, सीधों पे सीधे और उल्टों पे उल्टे बनाएंगे। और बीच के ये जो तीन फंदे हो गए हमारे पास, उसको हम उल्टा बनाएंगे। अंगूठे वाला पार्ट जो है हमारा इस तरह से प्लेन बनेगा, मतलब सीधी साइड से हम सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से हम इसको उल्टा बनाएंगे। और हर दूसरी सिलाई में एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाते हुए हम 20 फंदे होने तक बढ़ाएंगे। इस तरह से एक सिलाई पूरी हो गई सीधे फंदों से, सीधी सिलाई। अब उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना है, सीधे उल्टे बुनते हुए ये जो थंब के तीन फंदे हैं हम उनको उल्टा बुनेंगे। बाकी ये मान लीजिए सीधों पे सीधे और उल्टों पे उल्टे बनाने हैं हमने, कुछ नहीं करना है। उल्टी सिलाई पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई बनाने के बाद हम फिर से आगे हैं सीधी साइड। अब हम सेम वैसे ही केबल बनाएंगे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे। हमने पहले 6 फंदे केबल के पलटे थे, अब हम पीछे के 6 फंदे पलटेंगे। तो पहले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, और पीछे के फंदों को हम पलट लेंगे, 1, 2, 3। इस बार हम क्रोशिए को पीछे रखेंगे। और जो हमने क्रोशिए पे उतारे हैं उसको भी उतार लेंगे। जैसे केबल चलती आ रही है नीचे से, सेम वैसे ही बनाते चले जाएंगे। अब हम सेंटर में जाएंगे धीरे से ये बनाते हुए। 1, 2, 3 उल्टे हैं ये एक साइड केबल के, वो बना लिए। फिर दो सीधे, दो उल्टे, और ये आ गया हमारा सेंटर पार्ट जहाँ पे हमने थंब बनाना है। हमने 2 से 3 कर लिए थे ये वाले पार्ट में, 3 फंदे थे हमारे पास। अब हम 3 से इनको 5 करेंगे। तो उसके लिए हम पहले फंदे पे, सबसे शुरू के फंदे में एक बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए इसी फंदे को मैं 2 बार बनाऊंगी। एक बार बना लिया, एक बार पीछे से बना लीजिए, हो गया 2। एक फंदा इधर बढ़ गया, एक फंदा हमने लास्ट में बढ़ाना है। लेकिन ध्यान रखें सबसे लास्ट से जो पहला फंदा है उसमें बढ़ाइए। तो अभी 3 ही थे, तो यही वाला फंदे को हम दोबारा से बढ़ाएंगे आगे वाले को। एक फंदा और बढ़ गया हमारे पास, अब 4 फंदे ये हो गए और एक लास्ट वाला फंदा, 5 फंदे। अगली बार उल्टी सिलाई में हम सीधा उल्टों पे उल्टा और सीधों पे सीधा बनाते हुए चले आएंगे। और फिर सीधी सिलाई में यहाँ पे आके 2 फंदे फिर से बढ़ाएंगे, एक शुरू में एक आखिर में। तो 5 से हमारे पास 7 हो जाएंगे। इस तरह से करते करते जब हमारे पास 20 फंदे हो जाएं तब तक हम बनाएंगे। तो चलिए मैं पूरा थंब पार्ट तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ
ये मेरा अंगूठे का पार्ट जो है मौसम ये बन गया है। अभी देखिए ये वी शेप नजर आ रही है, ये अंगूठे का पार्ट पूरा बन गया। इसमें मेरे 19 फंदे हो गए हैं। 19 फंदे क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले एक फंदा बढ़ाया था, इसलिए हमारे ऑड नंबर्स में बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जब अंगूठा बनाएंगे तो एक साइड में एक फंदा और बढ़ा लेंगे और उसको इवन नंबर में कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब मेरा फिर से केबल का पैटर्न स्टार्ट होना है। स्टार्ट करेंगे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे बनाते हुए केबल का पैटर्न बनाएंगे। अब हम यहाँ पे फंदे पलटाएंगे, अब हम थंब के पोजीशन तक जाएंगे, दो सीधे सॉरी दो तीन उल्टे हैं यहाँ पे हमारे केबल के बाद। और उसके बाद दो सीधे दो उल्टे और आगे का पोर्शन जो है हमारा वो हमारा थंब का है। अब हम ये वाले थंब वाले फंदे दूसरे सिलाई पे उतार लेंगे। आप देखिए जब हम बढ़ाते हैं तो यहाँ तो हम शुरू में पहले वाले फंदे पे ही बढ़ा लेंगे, लेकिन लास्ट में हम सेकंड लास्ट फंदे पे बढ़ाएंगे। उससे क्या है, ये हमारा ये चेन है ये नज़र क्लियरली आएगी और देखने में नीट लगेगा। तो चलिए मैं उतार लेती हूँ थंब के फंदे दूसरी सिलाई पे। इस तरह से 19 फंदे हैं मेरे पास, 1, 2, 3, 17, 18, 19 ये फंदे मैंने यहाँ पे उतार लिए अलग से। अब हम आगे के फंदे इसके साथ जोड़ देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे दो फंदे सेंटर में ले लिए थे जहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया था 50 फंदों में से, तो हम दो फंदे और बढ़ाएंगे ताकि हमारा पैटर्न खराब ना हो। उसके लिए यहाँ पे दो उल्टे आए हैं, अब हम दो सीधे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक फंदा यहाँ से बढ़ा ले रही हूँ, एक सीधा और एक फंदा यहां से बढ़ा लूंगी इस तरह से। ये दूसरा सीधा और यहाँ पे कस लूंगी और उसके बाद आगे मेरे पास दो उल्टे हैं, दो उल्टे। इस तरह से हमारे 50 फंदे भी पूरे हो जाएंगे और हमारा पैटर्न भी खराब नहीं होगा। अब हमने अंगूठे के फंदों को छोड़ के बाकी वही पैटर्न दोबारा से स्टार्ट कर देना है जो हम नीचे बना रहे थे। इस पोर्शन में आपको जितनी लंबाई चाहिए उसके हिसाब से, ये देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड का है। जैसे यहाँ अंगूठा ख़त्म हो गया, यहाँ पे यहाँ जितना आपने लंबा रखना है आगे उतना बना सकते हैं। आगे एक पैटर्न बनाइए या दो पैटर्न बनाइए केबल के, जितना लेंथ आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लीजिए। मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल थंब के नीचे जैसे हम बना रहे थे वैसे ही केबल बनाते हुए आगे चले जाना है। और मैंने जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी मैंने अंगूठे के ऊपर बना ली है। अब लास्ट की चार सिलाइयाँ हम केबल नहीं बनाएंगे और उसमें सिर्फ दो सीधे दो उल्टे बनाएंगे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पलट रही हूँ क्योंकि नहीं तो ये बहुत सीधा सा डिजाइन बन जाएगा। सिर्फ पलटना है हमें यहाँ पे, उसके ऊपर हमें अपने डिजाइन के हिसाब से आप देख लीजिए क्या उसकी वहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। बिना बुने पलटे अच्छा लग रहा है या पलट के अच्छा लग रहा है तो उस तरह से आप कर लीजिए। ये मैंने कर लिए दो सीधे दो उल्टे,
इसको भी मैंने कर लिया सीधा। ये मैं जो पलटने के बाद मैं दो सीधे दो उल्टे करके ही बना रही हूँ। दो उल्टे हो गए और ये दो सीधे इस तरह से, अब हम दो सीधे दो उल्टे बनाते चले जाएंगे। हमने ये ऐसी चार सिलाइयां बनानी है इस तरह से, दो सीधे दो उल्टे बनाते हुए चार सिलाइयां बनानी है। देखिए केबल के ऊपर दो सीधे दो उल्टे का पैटर्न बनाया हुआ है, तो मैं चार सिलाइयां बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से चार सिलाइयां दो सीधे दो उल्टे की हो जाए तो हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के लिए भी हम वही पैटर्न से बनाते जाएंगे और फंदे को, पिछले फंदे को ऊपर से करते हुए नीचे गिरा देंगे सिलाई को। उल्टे को उल्टा बुन के और सीधे को सीधा बुन के बंद करते चले जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक पूरा बंद कर लेंगे। इस तरह से ऊपर से बंद करने के बाद हम अब इसका अंगूठे का पार्ट बनाएंगे, थंब का। अब जो हमने फंदे छोड़े थे इसमें भी हम केवल हमने दो सीधे और दो उल्टे का पैटर्न बनाना है। ऊपर चार सिलाइयां जैसे हमने इधर किया ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ हमारे पास 19 फंदे हैं, हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे ताकि हमारे पास पेयर्स हो जाएं, क्योंकि हमारे दो सीधे दो उल्टे में हमें पेयर्स चाहिए। और अगर आपकी आपका हाथ पतला है, उंगलियां पतली हैं, तो आप कम फंदे भी रख सकते हैं। अगर मोटी है तो एक आध ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये यूनिसेक्स ग्लव्स हैं, तो अगर जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप हाथ के हिसाब से फंदों को बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब इसमें भी हम दो सीधे दो उल्टे बनाते हुए चार सिलाइयां बनाएंगे। यहाँ लास्ट में मैं एक फंदा और बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को इसके पेयर्स बनाने हैं। तो आप ऐसे इस ठग से बढ़ाइए कि इसमें छेद ना नजर आए। दो उल्टे इसी तरह से करते हुए चार सिलाइयां बनाएंगे, दो सीधे दो उल्टे। इस तरह से बनाने से ये ऐसे बन जाएंगे, ये देखिए थंब के ऊपर। उसके बाद हम इसे यहां से भी सिल देंगे नीचे से और यहां से सिल देंगे। तो इस तरह से हमारे ग्लव्स जो है यूनिसेक्स फिंगरलेस ग्लव्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। और सिलने के बाद इस तरह से आएगा, ये मेरा राइट हैंड का है। फिंगरलेस ग्लव्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ का भी सिल लीजिए और आपके ग्लव्स तैयार है। तो देखा आपने यूनिसेक्स फिंगरलेस ग्लव्स बनाना कितना आसान था। आप भी इसे बनाइए और मिलती हूँ एक और नई रेसिपी या DIY प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।